लाइव हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूँ आपके साथ इंडिया एगल। डालते हैं आज की खबर में। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को लेकर चर्चित इंटरनेशनल शूटर व गोल्ड मेडलिस्ट वर्तिका सिंह के बारे में। आपको बता दें कि इंटरनेशनल शूटर वर्तिका का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर क्या है इंटरनेशनल शूटर राजपुतानी छतरानी वर्तिका सिंह ने बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को जड़ा थप्पड़। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। मैं वर्तिका सिंह, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज। मैं अयोध्या में आई थी भगवान राम जी का दर्शन करने के लिए। जब मेरी मुलाकात इकबाल अंसारी जी से हुई तो उन्होंने उस समय बात में आक्रामकता के साथ उन्होंने बोला कि यहाँ पे हिंदू का राज नहीं चलेगा, मैं इसको पूरे देश को पाकिस्तान बनाने का जज्बा रखता हूँ, पाकिस्तान बना दूंगा। और साथ में बोला कि ना ही देश के प्रधानमंत्री के अंदर ये जज्बा है नरेंद्र मोदी जी के अंदर, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर ये जज्बा है, ना ही किसी पूरे हिंदू भाइयों के अंदर ये जज्बा है कि वो इस तरीके से यहाँ पे जो है मंदिर बना सकते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मंदिर बनेगी और ना कानून के अंदर इतना दम है, अगर दम होता कानून के अंदर तो अभी तक मंदिर बन के खड़ी हुई होगी। जब मैंने उसे बोला कि आपका एक भी बयान मीडिया इस तरीके का तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोलता। मैंने भी झूठ बोला है, लोगों को गुमराह किया, लेकिन हकीकत यही है कि मैं इस तरीके से राम मंदिर के लिए और यहाँ पे राम मंदिर नहीं बनेगा। और प्लीज़ मैं यहाँ पे अभी पुलिस के जो सब लोग हैं उनके साथ हूँ मैं, और अभी मुझे कहीं पे रखा गया है, तो प्लीज़ आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। और इकबाल अंसारी जी जो भी बयान दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से झूठा बयान दिया जा रहा है, और मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करें। कि कानून की इतनी बड़ी औकात नहीं है, यहाँ पे बनेगा तो मस्जिद बनेगा, यहाँ पे मंदिर कतई नहीं बनेगा। आज दूसरी अगर मैं देश की, अगर हिंदुस्तान की बेटी हूँ, अगर मुझे आपको पूरे मैं समाज को बोलना चाहती हूँ, पूरे देश में हर युवा को बोलना चाहती हूँ, अगर कोई इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है तो कौन सा ऐसा युवा है जो बर्दाश्त करेगा। और अगर मैं थप्पड़ मारा है तो मेरी मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती। मैंने मारपीट करने की कोशिश नहीं किया, ना ही मैंने मारपीट उस समय किया, लेकिन उनके अपशब्द बयान कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान बनवाऊंगा और देखता हूँ कि मेरा हिंदू राज कैसे चलता है। मुझे किसी के भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुझे कोई किसी से वो नहीं है, वास्ता नहीं है, और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर मैं देश की युवा हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली देगा, मुख्यमंत्री को बहुत सिक्योरिटी उन्होंने रख रखी है, आप जिसके उसमें खा रहे हो उसी की मैं छेद कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो आप बताइए, अगर मैं युवा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है, मैंने थप्पड़ मारा तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने बिल्कुल सही किया। और देश की हर बेटी मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से बने, अगर कोई भी हमारे देश के लिए आवाज उठाए तो हर लड़की हमारे साथ खड़ी होगी। सर वो नागरिक है, मैं मानती हूँ, इसकी इज्जत करती हूँ, लेकिन नागरिकता क्या कहलाती है कि आप जहाँ पे रहते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री आपको गाली देंगे। नागरिकता ये कहती है कि आप बोलेंगे पाकिस्तान बनेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान की बात आपने क्यों किया मेरे से, पाकिस्तान की बात करोगे तो बना लेंगे, चाहे कोई भी देश का होगा, चाहे वो ये हो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर हिंदुस्तान में रहकर आप हिंदुस्तान का नमक खा रहे हो और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि देश हमारा इस तरीके से सेफ है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, आपके खिलाफ मामला दर्ज कराया? सर मामला दर्ज कराया गया, मैं वहीं पे खड़ी थी, मैंने कहा अगर मैं गलत किया है तो मैं भागूंगी, अगर मैं सही हूँ तो मैं नहीं भागूंगी। वहीं पे अपने भाई के साथ खड़ी थी, मेरा भाई था, उन्होंने जो बयान दिया है सरासर झूठ है बिल्कुल, और मेरे भाई ने उनको एक बार भी, जबकि बाहर खड़ा था अंदर गया भी नहीं था। और एक औरत ने जिसने बयान दिया कि तीन दिन से मैं सब गुजारिश करती हूँ, मैं बोलती हूँ सरकार से कि आप मेरी कॉन्टेक्ट दिखाइए, आप लोगों से पूछिए कि अगर मैं लखनऊ में थी कि नहीं थी उस समय, मैं आज सिर्फ गई हूँ और मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल सच बोलती हूँ और सच के सिवा मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद सर जब फोर्स आ गई, फोर्स गई, जाने के बाद भी मैं कितनी बार बोली आप मेरी बात तो सुनिए कम से कम, लेकिन हमारी बात वहाँ सुनी नहीं जा रही है। मुझे कस्टडी में रखा गया प्रॉपर तरीके, मीडिया से मेरे को बात करने का मौका मिले तब मैं अपनी बात बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मीडिया से बात करने का टाइम मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे बात करूंगी, अपनी प्रॉब्लम कैसे बताऊंगी लोगों के साथ। लखनऊ को लेके लखनऊ वही फोर्स लेके आई, पूरी पुलिस फोर्स लेके, उन्होंने बोला कि आप इस मैटर को दबा दीजिए और ये ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस तरीके से मेरी बाइट भी एक न्यूज चैनल करती थी जो कि उसमें मेरा कोई बयान नहीं है, इसको कट कर दिया गया है। मेरी चल रही है लिपसिंग चल रही है लेकिन उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से कट कर दिया गया है और अंसारी का जो है पूरा बयान उसमें आया हुआ है। हम ये चाहते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर इस तरीके से गद्दार कोई भी देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है या फिर मुख्यमंत्री को,